अस्सलाम वालेकुम। तो हमेशा वीडियो की शुरुआत मैं बाहर से करती हूँ क्योंकि मैं मॉर्निंग व्यू दिखाती हूँ आपको, बिकॉज आई लव ग्रीनरी। बट आज मैं वीडियो की शुरुआत कुछ अपने ख़जाने से कर रही हूँ। जी हाँ, ये मेरा ख़जाना है और मेरे पास ज्वेलरी आपको पता है किस्म की है, बट कैसे रखी हुई है वो भी आप देख लें। ये सारी इस तरीके से रखी हुई है कि मैं आपको क्या भी बताऊँ, हर तरीका इसका देखें किस तरीके से मैंने बस फेंकी फाकी है। और ये मेरे वलीमे का सेट था जो मेरी बहन ने अपनी इंगेजमेंट में पहना था, पहनने के लिए लिया था, पूरा मेरा ड्रेस भी लिया था, तो वो भी अम्मी ने दिया, तो वो भी मैंने बस ऐसे रख दिया इसको टिश्यू में रैप करके। तो हालत तक कुछ इस तरीके से नासाज हुई हुई है, बहुत ज़्यादा नासाज हुई हुई है। तो मैंने कहा कि हाँ आप एक मिनट चुप हो जाओ, तो मैंने सोचा कि मैं इसको थोड़ा सा सेट कर दूं, क्योंकि जब पहनना होता है फिर मुझे कुछ नहीं मिलता है। देखिए सारे मिरहा के क्राउन वगैरह मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ, ये मिरहा के क्राउन, तो ये देखें ये थोड़ी ज्वेलरी है मेरी, ये मैं आपको दिखाऊं। ये आजकल लोग पाँव में पहन रहे हैं, पता नहीं क्यों पाँव में पहनते हैं, इतने अजीबोगरीब पाँव लगते हैं, एक तो उनके पाँव। ये मैंने, मेरे पास सारा ब्रांडेड चीज़ होता है, तो मुझे अमेरिका, अफ्रीका, लंदन, न्यूयॉर्क जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप हमारे पाकिस्तान में भी सब कुछ मिलता है। ये लोग आजकल पाँव में पहनते हैं, बट मैं वॉच के साथ पहनती हूँ अपने हाथों में, बिकॉज मुझे हाथों में ज़्यादा पसंद है। ये देख रहे हैं ये पूरा सेट होता है, ये देखिए पूरा सेट होता है, चार होते हैं इसमें, तो मैं मोस्ट इसमें चेंज होती हैं, तो ये मैं हाथों में पहनती हूँ। तो ये मैंने अभी रिसेंटली मंगवाई थी, मतलब इसको भी टाइम हो गया मेरे तक पहुँचते पहुँचते, अभी देर हो गई। ये मेरे नेकलेस, सो आई हैव सो मैनी ज्वेलरीज। बस इसको मैं थोड़ा सही तरीके से, 9 to 5 की ज्वेलरी भी मेरे पास बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सपेंसिव होती है 9 to 5 की ज्वेलरी, वो भी मेरे पास बहुत ज़्यादा है। और ये देखें, उस दिन मैंने पिक्चर्स के लिए पहना था और फिर ऐसे रखा है, ऐसे रखना तो नहीं चाहिए बट फिर इतना लेट हो जाता है, फिर रखने की टाइम नहीं होता, तो मैंने कहा जिसको पहले सेट करूं फिर मैं सारे घर का काम करूं। तो चलें अब इस ज्वेलरी को सेट करते हैं और फिर इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, सेट करके मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने इसे ऐसे सेट किया। सो स्टे ट्यून्ड। और ये है मेरा फेवरेट नेकलेस, ये आज तक मैंने नहीं पहना, और मैं बाहर जाती हूँ ना, मैं बोलूँगी अरे लोगों को बहुत मसला होता है हम क्या पहन रहे हैं क्या नहीं पहन रहे हैं, तो उनको बड़ा ही मसला होता है कि ये नेकलेसेस, मैंने आज तक इतने कोई नेकलेस बाहर नहीं पहने। नहीं, अब तो बस मैं कहीं छोटी मोटी जगहों पर भी जाती तो मैं सोचूँ कि नेकलेस, अगर मुझे ज्वेलरी पसंद है तो मैं क्यों लोगों की बातों में आ रही हूँ बिला फालतू में। इधर मेरे निकाह के और वलीमा के सेट इसके अंदर मैंने रखे हुए हैं बिल्कुल रैप करके अच्छे से, तो मैं भी नहीं खोल सकती क्योंकि भाई फिर उसको समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये मेरा फेवरेट, मुझे 3D फ्लावर्स वाला सेट इतने पसंद है और मैंने अभी तक नहीं पहना, मुझे इतना अफसोस होता है क्योंकि कहीं जाते हैं ना हमें, भले हम घर में भंगियों की तरह घूम रहे थे, हम किसी के घर जाते हैं कुछ पहन के जाते हैं, गर्मी नहीं हो रही आपको, गर्मी नहीं होती है यार इतना कुछ पहन लिया गर्मी नहीं, भाई हमने पहना है घर में तो भिखारी जैसे घूमते हैं, बाहर तो पहन के निकले हैं। अब आपको अपने घर में गर्मी लग रही है तो हमारा भी यही हिसाब होता है, हम अपने घर में काम करते होते हैं तो हर किसी को गर्मी लगती है, तो किसी और को जज ना करेंगे। देखिए मेरा कितना खूबसूरत, इतना खूबसूरत हसीन सेट है कि मैंने एक दो बार ही पहना हुआ है, तो मतलब जो थोड़े हैवी है ना वो मैंने इधर थोड़े रखे हुए। और एक ये सेट है, ये भी मैंने इतनी पहना है, देखिए इनके कलर नहीं फेड होते, इतनी इनकी चेन देख लें, चेन नहीं फेड होती, इनके काम देख लें कितने नफीस काम हुए भी होते हैं, ऐसा दिल करता है। फिर मैं अक्सर व्लॉग में आप देख रहे होंगे घर में ही तैयार हो रही होती हूँ, क्या करे बंदा बाहर पहन के जाता है तो गर्मी नहीं हो रही, गर्मी नहीं हो रही, गर्मी नहीं हो रही। इसमें मैं आपको दिखाऊँ, इसमें भी सारे नेकलेसेस हैं, आगे पीछे हर जगह नेकलेस हैं, और टाइम पर मुझे पहनने के लिए मिलते भी नहीं हैं, मेरे पास क्या क्या है मुझे टाइम पर पता ही नहीं चलता। इसमें मैंने ईयर रिंग्स भी डाल दिए, ये निकालने, ये देखें इसके अंदर भी 4-5 नेकलेसेस हैं, आगे पीछे बीच में, ये देख रहे हैं सारे नेकलेसेस हैं, ये नेकलेस है, ये चोकर्स हैं, नेक फिटेड चोकर्स हैं, मुझे शौक है मैं खुद भी पहनूँ और अपने
सो ये गाइस, ये भी 9 to 5 स्टैम्प्ड रिंग है, उस पर अंदर की तरफ स्टैम्प लगा हुआ होता है 9 to 5 का। बेसिकली जिनको नहीं पता होगा मैं बता दूँ, इनके अंदर की साइड पे ये 9 to 5 का स्टैम्प होता है। और ये जो होती है ब्लर होती है भी, ये जो होती है अमेरिका का वाइट गोल्ड कहलाता है, मतलब इतना वो अमेरिका में ये एक्सपेंसिव होता है वाइट गोल्ड। हाँ 9 to 5 के नाम से होता है, इन पर स्टैम्प होती है। मैं आपको अगर नज़र नहीं आएगा मेरे पास, तो ये मैंने 9 to 5 एक बार भी नहीं पहनने को आई। मैं जब कहीं जाती हूँ ना तो मुझे चीज़ें मिलती नहीं है, तो मैंने 2 ही रिंग खरीदी क्योंकि इतनी महंगी होती है, तो मैंने इसकी सिर्फ 2 ही रिंग्स खरीदी थी और ये ब्लैक नहीं होती हैं। तो एक रिंग यहाँ पर होगी, ये देखें, ये भी मुझे बाहर जाना होता है तो ये पत्थर पर जो लिखा हुआ होता है, तो ये जोया लिया था, उन्होंने जाल दे दिया था, तो मैंने कहा भी ऑनलाइन मंगवाने का तो यही होता है। इसकी भी चेन फेड नहीं हुई। तो इनका जो ये देखिए 9 to 5 का कार्ड है ना, इनका जो अंदर की नेडल होती है ना उस पे ये सारी डिटेलिंग लिखी हुई होती है। तो ये H&M का ब्रांड है और इसके निडल होता है ना उस पर, ये जो निडल होता है ना इसका, ये स्टिक होती है इसकी, इस पर 9 to 5 लिखा हुआ होता है, इतना बारीक लिखा हुआ होता है, स्टैम्प्ड होता है 9 to 5। ये देखें, मैंने कुछ 9 to 5 की ज्वेलरी मंगवाई थी तो मैंने कहा आपको दिखाऊं। ये देखें, तो इनके जो निडल्स होते हैं ना उसमें स्टैम्प होता है, मतलब 9 to 5 का, ये उसकी पहचान होती है। ये भी 9 to 5 की है और ये भी 9 to 5 की है। बाकी 9 to 5 की नहीं है, इसकी मैं सेटिंग कर रही हूँ। बल्गारी से ऑर्डर किया था, बल्गारी, मैं साइड में इसकी पिक्चर भी लगाऊंगी और बल्गारी का मैं वेबसाइट आपको वो भी कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी। तो आप उनसे कभी भी कुछ नहीं बाय करें, उन्होंने मुझे हर जगह से ब्लॉक किया हुआ है। और मैं आपको बता दूँगी, मैंने बल्गारी से लिया था, ये बल्गारी का शीन ब्रांड का ये वो है पर्स था, अच्छा खासा बड़ा था उसमें। चलें, साइज़ इशू हो सकता है पिक्चर में और रियलिटी में साइज़ का तो मसला हो सकता है, बट आप देखें ये पर्स कोई हम जैसी लड़कियों को उठाने लायक है। मैं आपको पिक्चर शेयर ज़रूर करूँगी, जिस कंडीशन में आया है ना मैं आपको वही कंडीशन दिखा रही हूँ। इसके अंदर से ना मैंने कोई, आप समझेंगे मैंने कागज़ वगैरह, शीन ब्रांड, अगर ब्रांड चीज़ें ऐसी गठान बांधते हैं। ये देखें, ये ऐसा लग रहा है जैसे कटिंग करके हमने हैंड क्राफ्ट बनाया हुआ है इसका, ये क्राफ्ट लग रहा है। ये ब्रांड है, देखें ये ब्रांड का है। चले, लेफ्ट ओवर भी है तो कहीं से ब्रांड का नाम कुछ, ये देखें, ब्रांड हमेशा अपना नाम, ब्रांड का जो नाम होता है ना वो यहाँ पर इनकी चीज़ों पे मेंशन होता है। जैसे मैंने आपको 9 to 5 स्टैम्प, ना इसके साथ शॉपर था ना इसके साथ बैग था, और ये मिला है मुझे 2000 रुपये में पर्स। मैं किसी को इतनी आसानी से छोड़ती नहीं हूँ पैसे अपने। मैंने तो इसको बहुत खूब सारे जलील किया है, मैंने इसको खूब जलील किया है और खूब इसके रिव्यूज़ भी बुरे दिए हैं। और मैं अपने YouTube चैनल पे भी आपको बता रही हूँ, बी अवेयर, ऐसे ऐसे जो पेजेस हैं जो ब्रांडेड चीज़ें सेल कर रहे हैं, जैसे कपड़े ब्रांडेड, इसके बल्गारी के पास ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड एसेसरीज़, ब्रांडेड शूज़, सब कुछ इनके पास हैं। तो आप बाय करने से पहले 1000 बार सोचिएगा। साइड में ये पिक्चर लगी हुई है, ज़रूर देख लीजिएगा, और इसके बाद ये बैग भी ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस बैग में, उस बैग में। ये देखिए, सिर्फ कटिंग हुआ हुआ है, नज़र आ रहा है, सिर्फ कटिंग हुआ हुआ है। और अब ये मैं पहन के जाऊँगी तो मैं कैसी लगूँगी, इसको अच्छा लगा यही पहरे इसके ही लायक है। मैं तो इसमें मोबाइल भी रखूँ तो भाई मुझे तो भले ना, मेरा आईफोन नहीं है, सैमसंग है, तो 50,000 वाला मोबाइल भी इसमें से अगर निकल जाए तो मेरा तो भाई पेट जम जाएगा। चले भाई, ये बैग आपको इनाम में आया। अभी मैं फिलहाल इसके अंदर, फिर रात को हमने खाई आइसक्रीम, और फीस्ट मुझे पसंद है, पसंद क्यों है क्योंकि इसके अंदर चॉकलेट होती है ना, तो इसकी जो चॉकलेट होती है ना बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत अच्छी लगती है। सो चले फीस खाते हैं, फीस का बलात्कार भी होते हुए देखते हैं कि फीस्ट का कैसे हुआ बलात्कार, इतनी बुरी तरीके से इसका अत्याचार बलात्कार होगा फीस्ट का कि आप देख के हैरान रह जाएंगे कि आइसक्रीम इस तरीके से भी खाई जाती है। तो अभी ये दोनों स्टार्ट करेंगे आइसक्रीम खाना, और तब तक मैं अपनी आइसक्रीम खाती हूँ। आपने कभी किसी को इस तरह आइसक्रीम खाते देखा है? मेरा, व्हाट इज दिस, हाथ नीचे रखो, बाल गंदे हो रहे हैं।
देखिए, अरे हाथ तो नीचे रखो, आँख में लगा रही हो। देखिए बिल्ली, बिल्ली क्या है? मच्छी है। आपको देख के तो मुझे आइसक्रीम खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। मैंने अपनी आइसक्रीम फ्रेश कर दी और मैं दोनों को खिलाने के लिए यहाँ बैठी थी। ये देखिए, अब इनसे लेती हूँ मैं। दो मुझे दे दो, आप भी नहीं है, ख़त्म हो गई है। अल्लाह, अब वो भी ऐसे ही खाएगी जैसे वो खाएगी। अल्लाह अकबर, ये स्टिक इसमें जमा करें ताकि लगे कि तीनों आइसक्रीम इसने खाई है। अरे मेरा बस हो गया, आइसक्रीम खत्म हो गई, सब देख रहे हैं आपको। इसे तो कभी मैंने नहीं खाई, मुझे तो वैसे भी आइसक्रीम इतनी पसंद नहीं है, पर फीस्ट में सिर्फ चॉकलेट की वजह से खाती हूँ, उसके जो सेंटर में चॉकलेट होती है ना, इस वजह से। मेरा छोड़ दो, अच्छी है, डजंट मीन कि आप इसकी प्लेट को भी, शुक्र है इसका पेट भर गया। दे दो अब, चलो जल्दी से हाथ धुलाओ, चलो गंदी। ये देखो ये क्या किया है, चलो करियो, आ जाओ मुझे फॉलो करो। अब मैं इनको धुलाती हूँ हाथ और फिर मिलती हूँ। सही खरीदो, अब इनको मैंने मुंह हाथ धुला के कपड़े चेंज करवाए। ये देखो इसके बाल पानी की वजह से सारे चिपक गए, ऐसे लग रही है मामा उमर नहीं काका रफीक लग रही है, काका रफीक मेरा, यू आर लुकिंग लाइक माई डैड। काका रफीक को जानती हो मेरे, ये काका रफीक लग रही है मेरे, और ये उमर, उमेर उमेर, ये काका उमेर, ये काका उमेर है ना, ये कौन है, ये कौन है पहले मुझे बता, ये कौन है बाद में नाश करना। काका उमेर, और ये कौन है, ये काका रफीक, काका रफीक बाद में भी। तो मैंने इसकी आंखों पे किया लाइनर की प्रैक्टिस, कितना परफेक्ट ये वाला लाइनर मैंने यूज किया है, क्योंकि ये क्वाइल वाला होता है, ये वाटरप्रूफ नहीं है। आप तो चुप हो जाओ, दिखाओ लाइनर सबको, आँख बंद बंद करो, आँख परफेक्ट लगा है पूरा, क्योंकि आप चुप हो जाओ। तो मैं इसको बार बार मिटा के बार बार अप्लाई करके प्रैक्टिस कर रही हूँ इसकी आँख पे, क्योंकि ये तो मुझसे करवाएगी नहीं, तो यही मुझसे करवा रही है। मेरे को दिखाओ, डू यू लाइक इट, डू यू लाइक इट, यस यस। तो मैं आपको और करती हूँ, देखिए बेटी होने का कितना फायदा होता है ना। नहीं करो उसको तंग, उसको तंग नहीं करो, यहाँ मैं बना रही हूँ रोटी के टुकड़े। हमारी जबान में तो इसको बटक किए कहते हैं, आई डोंट नो कि आपकी जबान में क्या कहते हैं। तो यहाँ मैंने लेफ्ट ओवर फूड ही यूज़ किया, कल मैंने कोफ्ते बनाए थे तो एक कोफ्ता बच गया है, चावल बच गए हैं, पाए पड़े हुए फ्रिज के अंदर, तो मैंने कहा वही सारा कुछ चलाऊंगी। और यहाँ मैं इसको प्याज को पहले कर लूँगी लाल, फिर मैंने लिए दही। ये सारी रोटियाँ मैंने इसको भिगो दी थी, और इस भिगोने के बाद मैंने इसको पानी निकालने के लिए इसको यहाँ पर रखा हुआ है, और मैंने दही ली है और इमली का रस लिया है, तो थोड़े चटपटे होते हैं तो मज़ा आता है। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये है तीन टमाटोज छोटे छोटे, अगर आपके बड़े हैं तो आप एक यूज़ कर सकते हैं एज योर विश।
ठीक है, तो ये मैं ग्रेवी इसकी तैयार करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ मैंने सारे घर में जो स्पाइसेस यूज होते हैं, मैंने सॉल्ट की जगह पे इसमें डाला है पिंक सॉल्ट डाला है, और बाकी जो घर में हम मसाले यूज़ करते हैं सारे स्पाइसेस वही डाले हैं, और लहसुन अदरक का पेस्ट, इसके साथ मैं मिर्चें भी पेस्ट बना के रखती हूँ वो डाला है, और टोमेटोज डाले हैं। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ उसको अच्छे से। अभी मैंने इसमें दही और इमली नहीं डाली है, पहले ये अच्छे से मिक्स हो जाए, और मैं इसको ढक के रख दूँगी। टमाटर थोड़े सौदे हो जाएंगे, फिर इसको मैं भूनूंगी अच्छे से, और फिर इसके अंदर मैं इमली और दही डालूँ। आई एम सो सॉरी क्योंकि मैं आपके साथ रेसिपी फुल शेयर नहीं कर पाई, बिकॉज लेट हो गया था डिनर को, मैंने जल्दी जल्दी बनाई और फिर खाने के लिए बैठ गई और फिर आगे नहीं शेयर कर पाई। और ये देखिए कैसे कुल्लम कुल्ला सो रही है, इतने कुल्लम कुल्ला सोती हैं कि मैं तो लिटरली नीचे ही गिर रही होती हूँ, एक कोना पकड़ के सो रही होती हूँ। फिर दोनों सोई भी थी तो मैं मना करते कि बच्चों को स्टिंग नहीं पिलानी चाहिए, और वैसे भी स्टिंग में मेंशन होता है कि बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेंस इनको ना पिए, और मुझे पसंद है स्ट्रिंग, और अब मैंने कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा छोड़ दिए, बट स्ट्रिंग की तो बात ही अलग है। तो मैं यहाँ पी रही थी येलो स्टिंग, पता नहीं लोग बोलेंगे कि दवाई जैसा फ्लेवर होता है, किसी को क्या लगता है, पर इसमें बबल गम जैसा फ्लेवर आता है, तो मैं वो पी रही थी, और फिर अचानक से ही उठ गई। इसके बराबर में कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी, तो इसने बस ये कि गहरी नींद में भी इसने बोतल उठाई और अपनी बाहों में ले ली, कहीं मेरा उठ के ना ले ले, तो ये मतलब इसकी हो जाए। तो इसको नहीं पता था कि इसके अंदर कुछ है नहीं, ये एम्प्टी है। तो ये देखो फिर इसको होश आया थोड़ा बहुत, मैंने इसको हिलाया तो इसको होश आया कि ये देख रही थी कि ये तो खाली है, और फिर भी इसने बस पकड़ के रखा हुआ था कि मतलब इन दोनों बहनों की एक कनी नहीं बनती है, कि मतलब ये मेरी ये मेरी है, ये मेरी ये मेरी है। अभी मुझे समझ आता है कि हमारे माँ बाप क्यों इतना मेरी मेरी से चिढ़ते थे और बोलते थे कोई चीज़ लाते थे ये सबकी है सब मिल बांट के खाना। इतनी लड़ाई हमारे घर में होती है इन दोनों बहनों की, इस कदर लड़ाई होती है मेरी 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 के ऊपर कि मैं लिटरली पागल हो गई हूँ। तो अब इसको मैं यहाँ खोल के दिखा रही थी कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ताकि ये वो दूसरा जिन उठे तो दूसरा जिन उठ के लड़ाई झगड़ा ना शुरू कर दे। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, ना भी पसंद आए तो कर सकते हैं एज योर विश। सो सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है। अल्लाह हाफिज़।